अभी भाई साहब जालौर में ही है। नहीं, नंबर बंद कर रखे हैं उन्होंने, फोन नंबर ही बंद कर रखे हैं। हाँ, वो बात नहीं करेंगे फोन पर, जो कुछ होगा सामने सामने कर लेंगे, ठीक है, जालौर में। ये सामने सामने कर लेंगे मतलब? हाँ, सामने सामने क्या कर लेंगे, बात कर लेंगे जो करना है वो। फोन बंद कर रखा है, ऐसा चोरों की बात ही, फोन बंद कर रखा है उन्होंने सोशल मीडिया पे वीडियो लाइव छोड़ करके, और चोरों की बात ही, फोन को बंद कर रखा है। ये नंबर उनका ही है। नहीं, नंबर उनका ही है, वो आपके पास बात हो रही है। हाँ, नहीं, ऐसा चोरों की बात ही, उन्होंने फोन बंद कर रखा है, ये सही है क्या? चोरों की तरह किसी का पर नंबर चोरों की बात ही बंद कर रखा है नंबर, अगर इतना ही दम रखते हैं, मेरी बात सुनो। हाँ हाँ बोलो। इतना दम रखते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी डींगे खा कर हैं सोशल मीडिया पे, वाही वाही लूटने के लिए, तो जवाब देने का भी जिम्मेदारी रखी है। इतिहास गवाह साहब, टाइगर साहब का है ना इतिहास। अरे साहब, इतिहास देख रहा हूँ मैं, मैंने रिकॉर्ड खंगाला है पूरा इनका। हाँ, कौन सा इतिहास की बात कर रहे हैं आप? पूरा रिकॉर्ड खंगाला है मैंने साहब। छत्तीस कौम ऐसे ही है ना, किसी का साथ नहीं देती है साहब। मान्यवर, किस छत्तीस कौम की बात कर रहे हैं आप? हाँ, किस छत्तीस कौम की बात कर रहे हैं आप? छत्तीस कौम जो राजस्थान में है, छत्तीस कौम की बात कर रहे हैं, हमारा साथ। एक अपराधी को बचाने के लिए आप छत्तीस कौम का हवाला दे करके उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, और सोशल मीडिया पर भीम सेना वालों के लिए इस तरीके की जो बातें आप कर रहे हैं, चैलेंज देने वाली बातें कर रहे हैं। भीम सेना वालों ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है सर। मेरी बात सुनो साहब, करनी सेना, गौ रक्षा कमांडो फोर्स या टाइगर साहब, या अगर कोई गलत रहते या गलत साथ देते तो कोई आता नहीं वहां पर। मयूर सिंह जी, मयूर सिंह जी, बिल्कुल आपको लोकतांत्रिक अधिकार है, अगर आपको लगता है कोई व्यक्ति के साथ में गलत हो रहा है तो आप उसका साथ दीजिए। लोकतंत्र, संविधान भी आपके साथ है, ठीक है, संवैधानिक अधिकार है। लेकिन सोशल मीडिया पे आप हिंसा वालों को ललकार रहे हो आप, आप कूटने की, मारने की, पीटने की बातें कर रहे हो, तो चूड़िया भीमसेना वालों ने भी नहीं पहन रखी। नहीं नहीं, भीमसेना देखो साहब, मैं तो आपको एक ही बात बोल रहा हूँ, भीमसेना हो या छत्तीस कौम की कोई भी सेना हो या कोई भी संगठन हो, अगर गलत को गलत साबित करे तो हम उसका समर्थन देते हैं। अगर गलत को आप नहीं, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, जातिवाद छेड़ोगे, राजनीतिक दलों के साथ मिलकर कुछ अलग करोगे तो उसमें तो साहब विरोध का विरोध होना ही है। नहीं, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आज सुखदेव सिंह गोगा मेडी के साथ में खड़े होकर के वहाँ पे, वो एक व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति का वो व्यक्ति है जो सोशल मीडिया पे भारतीय महिलाओं के लिए इतना गंदा बोलता है, उसका वीडियो आपने देखा होगा। सीकर जिले के अंदर दो राजपूत समाज की महिला, किसी अन्य कोई जाट समाज के, कोई इनके प्रेम, कोई प्रेम का चक्कर था, ठीक है, कोई प्रेम का चक्कर था, वह जो राजपूत समाज की जो महिलाएं थी, किसी जाट समाज के युवकों के साथ चली जाती हैं, और वह व्यक्ति भारतीय इन महिलाओं के लिए, खुद के समाज के महिलाओं के लिए इतने गंदे ओछे शब्दों का यूज लिया उस व्यक्ति ने, वो वीडियो आप देखिए, और उनके साथ एसएस टाइगर ये मिल करके, और आप जो सोशल मीडिया पे भीमसेना को ललकार रहे हैं, तो इतना कमजोर मत समझिए भीमसेना को। देखो देखो, मेरी बात सुनो साहब, मैं तो आपको एक ही बात कर रहा हूँ, 100 बात की एक बात, ठीक है। देखो, गलत का गलत है, उस जगह भीमसेना हो या कोई भी सेना हो, ठीक है, उनको गलत साबित करना मतलब ये हमारा काम है तो काम करेंगे ही हम। मयूर सिंह जी, आप काम कीजिए, मैं मना नहीं कर रहा, आपके काम में कहीं टांगे डाला कोई व्यक्ति, लेकिन आप भीमसेना को मारने पीटने वाली जो बात कर रहे हो, ललकार रहे हैं आप चैलेंज दे रहे हो। आप सोशल मीडिया के ऊपर, एक सोशल जो अकाउंट फेसबुक व्हाट्सएप पे, आप सोशल मीडिया पे चैलेंज दे रहे हो, मीडिया के सामने चैलेंज दे रहे हो कि भीमसेना वालों को कूटो, इनको तोड़ो, इन्होंने मार नहीं खाई है। अरे साहब, हम लोगों ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है, नहीं गलती से हत्ते चढ़ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है साहब, वही बोल रहा हूँ, आप जालौर में आओ, अगर आप ये समझते हो, सुनिए मयूर जी, जालौर, अगर आप ये समझते हो कि चमार ये चमड़े की जूतियां बनाने जानता है, तो चमार अगर चमड़े की जूते बनाने जानता तो उन जूतियों से पिछवाड़े पर टेकना भी जानता है। तो वही बोल रहा हूँ ना, जालौर में आओ, बात कर लेंगे, जो कुछ है तो बात कर लेंगे, ठीक है। अपने आप को इतने बहादुर कहते हैं, फोन को बंद कर रखा है, तो वही तो ये चालू है, मैं बात कर रहा हूँ ना आपसे, क्या बात करनी है, उससे बात कराई उस व्यक्ति से, तो मैं वही बोल रहा हूँ, खुद एक आपराधिक प्रवृत्ति का वो आदमी, उनके मैंने अभी क्रिमिनल रिकॉर्ड निकाले, अभी मैंने पुलिस थानों से, मैंने जालौर से, वहीं से निकाले भी मैंने क्रिमिनल रिकॉर्ड,
वो समाज सेवी की बात कर रहे हैं, वो गोरक्षा के नाम पे गोरख धंधा खोल रखा है, वो समाज सेवी की बात कर रहे हैं। अरे साहब ऐसा थोड़ा ना, अगर मैंने क्या बोला मयूर सिंह जी, सो बात तो एक बात है कि भीम सेना ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है, बोल दीजिएगा अपने ऐसे सुताइर को, तो उसने चूड़ियां नहीं पहन रखी है ना, वो तो वही बोल रहे हैं, जालौर में बुला दो, जो कुछ होगा बात कर लेंगे, टेंशन की बात नहीं है सर, ऐसा है। और रवि कुमार मेघवाल बोल रहा हूँ, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, हवाबाजी नहीं करता सर मैं, मेरी बात सुनो, उनका भी नाम एस एस टाइगर है, बिल्कुल देख लिया मैंने, साहब इनका भी देख लिया मैंने, आपका भी मोबाइल बंद करके चोरों के बाती, चोरों के बाती जो बिल में जाके छुपके बैठे हैं ना, देख लिया मैंने एस एस टाइगर है, तो वो नाम क्या आगे टाइगर लगाने से टाइगर नहीं होता कोई, फोन तो चालू है सर, फोन बंद है उनका, फोन बंद है सुबह से, कम से कम 100 फोन लगा के देख लिए, ये फोन उनका ही है साहब, आधी रात को मेरे को फोन करना सर, रवि कुमार मेघवाल नाम है मेरा और ये फोन चालू है मेरा, ठीक है, नाम क्या के टाइगर लगाने से टाइगर नहीं होता है, अरे साहब बैठा है ना ये, और भीम सेना को ललकार रहे हैं, ठीक है ठीक, ईद का जवाब पत्थर से देना जानते सर, ध्यान रखिए, जालौर में आ जाओ है ना, आप बोल दीजिएगा उनको, हाँ ठीक है।